हेलो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ये आपने एक बॉल को हॉरिजॉन्टल के साथ में यू वेलोसिटी के साथ में थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल ऑन द ग्राउंड इज आर जब ये बॉल ऐसे जाएगी ऐसे तो उसके ऊपर जो रेंज है इसकी औरिजोनटल रेंज वो आर है इफ द कफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई देन द हॉरिजोंटल रेंज आफ्टर द कॉलेजन इज तो देखो एक कॉलेजन होगा और कॉलेजन के बाद में इन इलास्टिक कॉलेजन है तो ऑब्वियसली रेंज उतनी नहीं मिलेगी जितनी पहले मिले थी एंड सक्सेसिवली और मैं जैसे आगे से आगे बढ़ता जाऊँगा रेंज कम होती जाएगी कारण यह है कि यार जो रेंज का फॉर्मूला होता है जैसे कभी मैं कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं तो एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट हमेशा जो रेंज होती है वो टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी होती है यू एक्स जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेज होती है एंड ये इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सेस होती है अपॉन जी जो फिर आगे सोल्व होकर यू स्क्वार साइन टू थ्रीटा अपॉन्ट जी आता है अगर आप बेसिकली इस फार्मूले uh, को देखो तो आपको रेंज का फॉर्मूला ये मिलता है टू यू एक्स यू वाई अपॉन्ट जी जब कॉलिजन होता है किसी भी प्रकार का कोई कॉलिजन हो रहा है इस प्रकार से कोई बॉल आ रही है ऊपर से एंड देन uh, वो वापस जा रही है और कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है तो हमेशा ध्यान रखना कि कॉलिसन के पहले की अगर वेलोसिटी वी इनिशियल है और कॉलिसन के बाद की वेलोसिटी वी फाइनल है तो फाइनल वेलोसिटी बराबर ई इंटू वी इनिशियल होता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी को मैं कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मल्टीप्लाई करू तो, तो फाइनल वेलोसिटी मिलती है और ये जो ई लगता है ना ये केवल वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के लिए लगता है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो आप देखो टू यू एक्स अपॉन पहुंचिए यहाँ जो खास बात है वो ये है कि जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेट है का ग्राउंड के वो ये वाला है यू वाई मतलब हमारा यू एक्स से यहां पे कोई लेना देना नहीं है यू एक्स किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है टू इज अंस्टेंट एंड जी इज अ कांस्टेंट सो तो जब यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि रेंज इज प्रपोशनल टू वाई डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट और मैं देखता हूं कि यार एक टक्कर के बाद में जो वाई डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट होता है वो ई टाइम्स रह जाता है तो जब रेंज इज प्रोपोर्शनल टू वाई डायरेक्शन का इनिशियल कॉम्पोनेंट वाई डायरेक्शन का जो कॉम्पोनेंट है वो यू वाई है तो नई रेंज जो मेरे को मिलेगी यहाँ पर अपॉन पुरानी रेंज बराबर वाई डायरेक्शन का नया कॉम्पोनेंट अपॉन पुराना कॉम्पोनेंट मुझे पता है यार एक कॉलेजन के बाद में वाई डायरेक्शन का जो कॉम्पोनेंट होता है वो ई इंटू यू वाई रह जाता है तो कौ, दो कॉम्प दो कॉलेजन के बाद में वो ई स्क्वायर इंटू ई वाई रह जाता है तो जो नया कॉम्पोनेंट है मेरे पास में ई इंटू यू वाई है ये यू वाई से यू वाई कट गया एंड दिस इज ई तो नई रेंज बराबर ई इन टू आर ई जो है वो आपका कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है तो बस यही मेरा आंसर आ जाएगा यार इसमें ई आर आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा अच्छा ये तो एक कॉलेजन के बाद में है अगर दो कॉलिजन के बाद में पूछता आपको तो फिर मेरा आंसर ये हो जाता तीन कॉलिजन के बाद में पूछता तो ई थ्री आर हो जाता आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू